नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चना दाल का तड़का बनाएंगे। देखिए, 200 ग्राम दाल लिए थे, उसको हम 3 से 4 घंटा पहले पानी में फुला दिए। इसको हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। और देखिए, मसाले में हम 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च और 1 पोट लहसुन और 1/2 इंच अदरक लिए हैं। हम प्याज और टमाटर को हम काट लेंगे और इसे हम कुकर में, दाल को हम कुकर में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इसमें हम पानी डालेंगे। पानी देखिए चने से ऊपर होना चाहिए। पानी डाल दिए, 1/2 चम्मच हल्दी डाल दिए हैं और 1 चम्मच नमक। और हम इसको गैस ऑन कर ले रहे हैं, ऐसा हम चढ़ा दे रहे हैं इसको। दोस्तों, 1 सीटी हाई फ्लेम पर देंगे, उसके बाद 3 से 4 सीटी लो मीडियम फ्लेम पर देंगे। देखिए दोस्तों, प्याज को हम काट लिए हैं, टमाटर को भी काट लिए हैं और मिर्च को इस तरह से कटिंग कर लिए हैं और लहसुन और अदरक को भी हम खलबट्टे में कूट लिए हैं। और 3 से 4 सीटी दे दिया है और हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके कुकर को हम ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और अब हम कढ़ाही गरम कर रहे हैं। कढ़ाही में हम 3 से 4 चम्मच तेल डाल रहे हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल दे रहे हैं और इसमें हम तेज पत्ता भी डाल दे रहे हैं। फोरन जल गया है, अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे। ऐसे हम गोल्डन ब्राउन होने पर भूनेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम ये लहसुन अदरक को जो कूट कर रखे हैं उसको भी हम डाल दे रहे हैं और मिर्च को भी डाल दे रहे हैं और इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। वन फोर्थ चम्मच हल्दी डाल दे रहे हैं, हल्दी पहले भी डाले थे दोस्तों, और नमक भी हम पहले डाले हैं, इसलिए 1/4 चम्मच नमक डाल रहे हैं प्याज को पकाने के लिए। इस तरह से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को पकाएंगे। देखिए दोस्तों, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम टमाटर को भी डाल दे रहे हैं और इसे भी हम पकाकर इसको भी जब तक इसमें गल न जाए तब तक इसको हम पकाएंगे। हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं, इसे भी हम पकाएंगे। देखिए, मसाला सब भुना गया, टमाटर भी गल चुका है, उसमें हम 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दे रहे हैं और ये जो चना दाल को उबाल कर रखे हैं इसको भी हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट हो गया, क्योंकि दाल अच्छी तरह से उबल चुका है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इस अब तड़का लगाएंगे। कि तड़के के लिए हम तड़का पैन लिए हैं, इसमें हम 1 चम्मच घी डाले हैं, इसमें हम अदरक डालेंगे। और लाल मिर्च भी डाल देंगे थोड़ा। देखिए दोस्तों, तड़का जल चुका है, अब इसे हम दाल में डाल देंगे। तड़का दाल को सर्व करके दिखा रहे हैं, कितना प्यारा कलर दिख रहा है। आप भी दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से तड़का दाल बनाइए। आप इसे रोटी के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए या पुलाव के साथ खाइए। आप भी मेरे तरीके से दोस्तों बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है, आप दोस्तों सपोर्ट भी करिएगा। मैं आगे फिर अगले रेसिपी में हम मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।